देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर के खुलने का इंतजार श्रद्धालुओं के साथ साथ मंदिर परिसर में छोटे व्यापार करने वाले लोगों को भी है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में 7 महीनों से बंद रजरप्पा मंदिर को नवरात्र से पहले या बाद में खोलने पर विचार करने का आदेश रांची हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है, जिसके बाद अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के अगले आदेश पर टिकी है। सभी को आस है कि आस्था और रोजगार को देखते हुए राज्य की हेमंत सरकार जल्द ही रजरप्पा मंदिर को खोलने पर विचार करेगी। 50,000 से अधिक लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंदिर के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, अपना पेट भरते हैं, तो कोरोना क्या, ये लोग तो भुखमरी से मर जाएंगे। कोरोना से तो मृत्यु होगा ही, लेकिन कोरोना से मरे ना मरे, इस तरह का फरमान अगर आप जारी कीजिएगा, मंदिरों को खोलने से रुकिएगा, तो कहीं ना कहीं जो परिवार, देखिए भारत देश में मंदिर एक बहुत बड़ा आस्था का विषय है। वही मंदिर खुलने की आस में आसपास के मालाकार समुदाय के लोग भी अपने खेतों में फूलों की खेती कर ली है, जो अब कली से फूल बन चुके हैं। अगर रजरप्पा मंदिर खुलने में देरी होती है तो इन गरीब लोगों को भी लाखों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगला बार फूल का खेती किए थे, लॉकडाउन में बहुत क्षति हुआ, इस बार भी फूल का खेती लगाए हैं और तैयार भी हो गया है। अब रजरप्पा मंदिर खुलता है या बंद रहता है, हम लोग नहीं खुलेगा तो हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसमें एक अच्छा पिटीशन डाले और कोर्ट ने संज्ञान लिया, और हम लोग चाहते भी हैं जो नवरात्र महीने से पहले अगर इस पर फैसला हो जाए तो जल्द से जल्द रजरप्पा मंदिर खुलवा दिया जाए। रजरप्पा मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, साथ ही यह एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी प्रसिद्ध है। श्रद्धालु पंडा समाज और दुकानदार से लेकर यहां से रोजी रोटी कमाने वाले सैकड़ों लोगों के हित को देखते हुए मंदिर का खुलना सरकार की एक सार्थक पहल होगी। रजरप्पा से न्यूज 11 भारत के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट।